हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील लहर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और यह जेपीएससी के पेपर वन से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न सब्जेक्ट वाइज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास से कुल 15 प्रश्नों को पूछा जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार मिला था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पलवरम। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को पलवरम से हस्तकुठार मिला था। और रॉबर्ट ब्रूसफुट भारतीय भूगर्भशास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूतकोटदा से घोड़े के अस्थि या अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह स्थल गुजरात में स्थित है। और इसकी खोज 1964 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। तीन नंबर क्वेश्चन है, वन व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। वन व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसमें चार वर्ण का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जांग से वैश्य और ब्राह्मण के पैर से शूद्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार कुल चार वर्णों का उल्लेख है। चार नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्नम भी कहते हैं। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने 5 अनुयायी को धर्मोपदेश दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामंतवाद एवं भूमिदान। तो गुप्तोत्तर काल में देखें तो महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन सामंतवाद एवं भूमिदान था। 6 नंबर क्वेश्चन है, तुरुष्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गहड़वाल। तुरुष्क दंड नामक कर गहड़वाल राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है और यह मुस्लिमों के ऊपर लगाया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और यह वास्तव में एक मस्जिद है। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी, जिसमें जो विद्रोह करता था उसको मारकर उसकी
महिला और बच्चे को दास बनाया जाता था। नौ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया गया था। दस नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एतमादुल्ला का मकबरा। मुगल काल की पहली इमारत जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है, इसका नाम है एतमादुल्ला का मकबरा, और उसे 1626 ईस्वी में नूरजहां ने बनवाई थी। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जालियांवाला बाग, तीन नंबर में असहयोग आंदोलन, और चार नंबर में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको देखने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसका तिथि क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। इसके हिसाब से एक नंबर में होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बाद होगा जालियांवाला बाग, इसके बाद होगा असहयोग आंदोलन 1920, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर होगा चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा कॉमनवेल्थ। आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, और यह साप्ताहिक पत्रिका थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका आंसर होगा 1961। भारत सरकार द्वारा 1961 में पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारत का भूगोल से, जिसमें कुल 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी बहती है, जो इनके बीच भरंस घाटी का निर्माण करती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, और भारत में 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है थाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और इस दर्रा से होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है।
यानी कि मुंबई से कोलकाता जाने के लिए इसी दरा से होकर रास्ता गुजरता है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाबर। शिवालिक का जलोढ़ पंख भाबर को कहा जाता है। बीस नंबर क्वेश्चन है, सैंडल चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे सैंडल पीक भी बोला जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। सैंडल चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी में। कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है और कपास की खेती को भारत की उपज माना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी से। हीराकुंड परियोजना महानदी से संबंधित है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। 'सैंटोस पतन' को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावा पतन से। सैंटोस पतन को कावा पतन के नाम से भी जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा फ्रांस और कनाडा को अलग करती है। साथ ही यहाँ ऑप्शन में देखें तो चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगिनॉट और जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1872 में। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहली नियमित जनगणना, तो इसका आंसर होगा 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। अगर पहली जनगणना पूछे तो 1872 और अगर नियमित जनगणना पूछे तो 1881 होगा। नेक्स्ट हम लोग भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन से कुल 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा, जिसको हम लोग देखेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूथर गुलिक। तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और वहीं पोस्ट कॉर्प के फुल फॉर्म को देखें तो पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सी ओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। ये सभी पोस्ट कॉर्प के फुल फॉर्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीए यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलनात्मकता। एनपीए दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मकता शामिल नहीं है, जबकि इसमें सामाजिक समता, सामाजिक परिवर्तन और प्रासंगिकता ये सभी शामिल हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, पोस्ट कॉर्प में डी से आशय है, तो इसका आंसर होगा डायरेक्शन। जैसे हम बताएं पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्शन, सी ओ से कोऑपरेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग।
तो यहाँ पर डी का आशय डायरेक्शन से है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार उल्लेख किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संपूर्ण संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिया गया है, जिसको भारतीय संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में जगह दिया गया है, जिसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बात की गई है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था। पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है, और 42वें संविधान संशोधन में कुल 3 शब्द को जोड़ा गया था, जो अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भारत में पहली बार भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को राज्य बनाया गया, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा किया गया है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, और इसको अनुच्छेद 40 के तहत गठन का प्रावधान किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं उसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में आर्थिक एवं धारणीय विकास, इकोनॉमिक से कुल 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1997 से 98। भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग 1997 से 98 में वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया? तो इसका आंसर होगा 1949 में, भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन 1949 में हुआ है। इसके अलावे 1966 में दूसरी बार हुआ है, और तीसरी बार देखें तो
शायद 2018 में जो नोटबंदी हुआ था। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है, और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में। नेक्स्ट है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। पूरा मॉडल को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने समर्थन दिया था। चालीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीबी भट्टाचार्य। बाकी वाई वी रेड्डी, डी सुब्बाराव और सी रंगराजन, ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। 42 नंबर क्वेश्चन है, आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र द्वारा आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से किया गया था, उस समय यूएसएसआर के नाम से रूस को जाना जाता था, जो 1991 में उसका विघटन 15 देशों में हो गया। इसके बाद रूस के पास सारी शक्ति चली गई। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजगार सृजन। 45 नंबर क्वेश्चन है, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो इसका आंसर होगा चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। चीज़ों की मांग में कमी और पूर्ति में वृद्धि होने पर चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। नेक्स्ट है, सामान्य विज्ञान कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिससे कुल 15 प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका आंसर होगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, और हार्मोन हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, तो इसका आंसर होगा उच्च प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेलें होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैडविक। एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया है, और वही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे.जे. थॉमसन, और प्रोटॉन की बात करें तो रदरफोर्ड के द्वारा खोज किया गया है। इसको याद करने का टेक्निक है, इट पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, इसके बाद प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा के रूप में।
भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप ही होता है, और हमारे शरीर में भोजन का पचना मुख से शुरू हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट समस्या का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट समस्या ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H5N1 बर्ड फ्लू विषाणु है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवर्म सुअर, पोलियो बंदर। पोलियो बंदर में नहीं पाया जाता है, पोलियो मनुष्य में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड के साथ बेचा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, www. के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं? तो इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। www. यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए 2015-16 के बजट में उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। बाकी परंपरागत कृषि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि योजना, ये सभी कृषि के विकास के बजट से संबंधित हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ। नेक्स्ट है झारखंड विशेषांक, जिससे कुल 10 प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा वेनंद पाहन। जयपाल सिंह का मूल नाम वेनंद पाहन था और इसका जन्म 1903 ईस्वी में खूंटी जिले के टकरा प्रखंड के हैसल गांव में हुआ था, और हैसल गांव से ही निक्की प्रधान भी संबंध रखती है। और 1928 के एम्स्टर्डम में जो हॉकी मैच हुआ था, इसमें जयपाल मुंडा के कप्तानी में है भारत ने गोल्ड मेडल लाया था। 62 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची में। 63 नंबर क्वेश्चन है, झंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाएं गाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय। झंझाइन लोकगीत जन्म के समय महिलाएं द्वारा गाई जाती है। नेक्स्ट है, मैका खान कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कोडरमा में, और कोडरमा को मैका कैपिटल भी कहा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC जनसंख्या के आधार पर निवास करती है? तो इसका आंसर होगा पलामू। पलामू जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC निवास करती है। और वहीं झारखंड में अगर अनुसूचित जाति की आबादी देखें तो 12.1% है। 66 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 73%।
झारखंड में 73% खनिज भंडार संचित है। 67 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। 68 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किरायेदार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर किरायेदार अधिनियम 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन है, संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित रघुनाथ मुर्मू। संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं, और इस लिपि के आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1912 में, 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। 69 है, बहुविध प्रकृति के प्रश्न, जिसे कुल 15 प्रश्न पूछा जाएगा। पीली पेटी, नीली पेटी तथा हरित पेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन। पीली पेटी, नीली पेटी तथा हरित पेटी का संबंध विश्व व्यापार संगठन से है। 72 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कार्य हैं, एक नंबर में आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजी उपलब्ध कराना, सेकंड नंबर में पूंजी निवेश को गारंटी प्रदान करना, तीन नंबर में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा, और चार नंबर में लघु बड़ी परियोजनाओं के विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 4। 73 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 29 दिसंबर, जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। आरोही 27 जून की बात करें तो सांख्यिकी दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सही है। इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की है। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का संस्थापनाएँ हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में एक बयान के बाद दो मान्यता दी गई है, बयान और मान्यताओं पर विचार करके फैसला करना है कि कौन सी मान्यता बयान पर निर्भर करती है। बयान है, 18 वर्ष के ऊपर उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। मान्यताएं हैं, प्रथम में भारत में बेरोजगार युवकों को आर्थिक मदद की जरूरत है।
दूसरा है सरकार के पास बेरोजगार युवकों को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो इसका आंसर होगा सिर्फ प्रथम। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बृहत मुंबई। 79 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 31.16। अस्सी नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा भारत। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय भारत को जाता है, और इसका आयोजन 4 मार्च 1951 को किया गया था, वो भी नई दिल्ली में। इक्यासी नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए, कम है सचिन तेंदुलकर, तो इसका हो जाएगा क्रिकेट, ख में गीत सेट्टी, इसका हो जाएगा बिलियर्ड्स, ग में प्रकाश पादुकोण, इसका हो जाएगा बैडमिंटन, और घ में महेश भूपति, इसका हो जाएगा टेनिस, तो इसके हिसाब से क का हो जाएगा 2, ग का हो जाएगा, ख का हो जाएगा 3, ग का हो जाएगा 1, और घ का हो जाएगा 4, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में एकल नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन हैं, तो इसका आंसर होगा पॉल एस सैमुएलसन, ऑप्शन नंबर डी पॉल एस सैमुएलसन। 83 नंबर क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखक के लिए, और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, यानी कि ज्वालामुखी का फटना और मृदा अपरदन, ये दोनों भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। 85 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के तहत देश में कितना हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 करोड़ हेक्टेयर। 4 करोड़ हेक्टेयर है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिससे कुल 15 प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो 86 नंबर क्वेश्चन है, पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब यानी कि गोल्ड मेडल किसने जीती, तो इसका आंसर होगा मानसी जोशी। पैरामेडिकल विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब जो गोल्ड मेडल जीती थी, तो इसका आंसर होगा मानसी जोशी। 87 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 30 मीटर टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हवाई में। 88 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बॉल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ, तो इसका आंसर होगा भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बॉल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ था। 90 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के विवाह के लिए 1 तोला यानी कि 11.34 ग्राम सोना देने की किस राज्य ने घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम।
नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। 92 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक रिसेट रैंकिंग इंडिया की आर्थिक विरासत, जिसका विमोचन प्रणब मुखर्जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया, पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम स्वामी। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में HIV-1 समूह का एक वायरस खोजा गया जिसका नाम है? ऑप्शन नंबर बी, हाल ही में HIV-1 समूह का एक वायरस खोजा गया जिसका नाम M है। हाल ही में खोजी गई एक मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। उस मकड़ी का नाम सचिन तेंदुलकर नाम पर, तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बुरुंडी ने अपनी नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुका। इससे पहले बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा थी। 96 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा के द्वारा राज्य में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अवैध खनन पर रोक लगाने में असमर्थ रहने के कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल कश्मीर में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल कश्मीर में बनाया जा रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय गेंदबाज को हाल ही में पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को हाल ही में पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया प्रैक्टिस सेट को लेके आएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।